sexual reproduction in plants. अब हमने कहा बेटे पौधे रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए। जनरली हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कहते किसे हैं जिसमें देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्या होता है? गैमीट्स की फ्यूजन होती है, गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो तब एक नया जाइगोट बनता है, उस जाइगोट से नया इंडिविजुअल बनता है। अब ये जो गैमीट्स हैं बेटे, ये दो तरह के, स्पर्म्स और एग्स। अब जब ये दोनों गैमीट्स आपस में मिलेंगे दे फॉर्म जाइगोट। अब ये जाइगोट जो होगा ये डेवलप होगा इनटू एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद वो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा और वो तब्दील हो जाएगा एक नए पौधे के अंदर, छोटे नन्हे पौधे के अंदर। अब ये जो पौधे हैं इनके बेटे मेजर ग्रुप्स जो हैं दे मे बी मोसेस, फर्न्स एंड सीड प्लांट्स। मोसेस, फर्न्स एंड सीड प्लांट्स। अब ये जो हमारे सीड प्लांट्स हैं, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, इनकी आगे दो मेजर क्लासेस हैं आपके लिए। एक क्लास को हम नाम देते हैं एंजियोस्पर्म्स और दूसरी क्लास को हम नाम देते हैं जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जिनके बीज फ्रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स जिनके सीड बाहर ही मौजूद होते हैं, उनमें मतलब फ्रूट नहीं लगता, उनके सीड बाहर ही मौजूद होते हैं। आपने दोनों तरह के देखे होंगे। ये जो मोसेस और फंस हैं ये जैसे चिलगोजे का दरख्त है, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। अब ये जो सीड प्लांट्स होते हैं इनके अंदर स्पर्म्स और एग्स की फ्यूजन के लिए स्पेशल मेथड्स मौजूद हैं। इनके गैमीट्स एक दूसरे तक पहुंचते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ अडेप्टेशंस की वजह से। कुछ के गैमीट्स के साथ लगे होते हैं छोटे छोटे, आप कह लो फीदर टाइप, जो हवा में उड़ सकते हैं। उड़ के सकते क्या क्या मतलब, हवा के साथ उड़ सकते हैं। कुछ जो हैं वो फिर अटक जाते हैं जाके दूसरे पौधे के फ्लावर के साथ, तो वहाँ पर उनकी ओवरी तक पहुँचते हैं और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो जाती है। जबकि इधर हमारे मोसेस और फंस जो हैं इनके स्पर्म्स जो हैं दे आर मोटाइल। इनके स्पर्म्स क्या होते हैं? मोटाइल। मोटाइल मीन हरकत कर सकते हैं। अब इनको एग सेल तक पहुंचने के लिए ज़रूरत होती है पानी की, वाटर। दे नीड वाटर टू स्विम, दे स्विम इन वाटर। अब आपने देखा होगा कि ये जो चिलगोजे के ख़ास तौर पे दरख्त होते हैं इनको कॉन्स लगती हैं। कॉन्स के पत्ते इस तरह से तकरीबन होते हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी। अब ये एक स्ट्रक्चर जो है वो एक कॉन लगी होती है उस पौधे के साथ। अब यहां पर रात को शबनम, ये जो हमारी ड्यू होती है, ये खड़ी हो गई। जब बारिश हुई तब वो पानी खड़ा हो गया इधर, तो स्पर्म्स जो हैं वो स्विम करके वो पहुंच सकते हैं अपने ओवरी तक। जबकि इनमें जो हमारे सीड प्लांट्स हैं इनमें और मुख्तलिफ अडेप्टेशंस हैं, वो देखेंगे हम सारी इस चैप्टर के अंदर। अच्छा बेटे, एक इसमें बड़ी आप कह लो इम्पॉर्टेंट शय है पौधों के अंदर पाई जाने वाली, एक फिनोमना है दैट इज़ नेम्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। मतलब पौधे के लाइफ साइकिल में, पौधे के दौरे हयात में दो जनरेशन जो हैं एक दूसरे के साथ तबादला करती हैं। अब वो दो जनरेशन्स कौन सी हैं? हम जानते हैं बेटे, पौधे जो हैं वो मुश्तमिल होते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन पे और गैमीटोफाइट जनरेशन पे। किस पे? गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट जनरेशन्स, ये दो जनरेशन्स मौजूद होती हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है ये बड़ी होती है और डोमिनेंट होती है, मतलब वो हमें आम नज़र आ रही होती है, ये पौधे की जड़, तने, पत्ते, शाखें, ये इसकी स्पोरोफाइट जनरेशन है। और इसमें क्रोमोसोम की तादाद 2n होती है, मतलब ये डिप्लॉयड होती है। गैमीटोफाइट जनरेशन जो है ये छोटी होती है, बाज़कात नज़र मुश्किल आती है। इसका काम गैमीट्स बनाना होता है। इसका क्या फंक्शन है? ये गैमीट्स बनाती है और ये 1n होती है, और ये 1n होती है, मतलब ये हैप्लॉइड होती है, इसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है। अब बेटे ये तबादला कैसे करती हैं? हमने कहा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन कि दो जनरेशन एक दूसरे के साथ तबादला करती हैं। वो फ्लो चार्ट देखो ज़रा। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है इसमें मीओसिस होती है और स्पोर्स बनते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन में मीओसिस का प्रोसेस हुआ। अब इस मीओसिस के प्रोसेस में ये स्पोरोफाइट जनरेशन 2n थी, डिप्लॉयड थी। मीओसिस से क्या होता है? क्रोमोसोम की तादाद कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। तो ये जो स्पोर्स बने इनमें क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी? 1n होगी, हैप्लॉयड होगी। अब इन स्पोर से गैमीटोफाइट जनरेशन बननी है, इसमें रिपीटेड माइटोसिस होगी। इससे क्या होगी? रिपीटेड माइटोसिस होगी। उस रिपीटेड माइटोसिस के नतीजे में अब तो क्रोमोसोम नहीं आते होंगे क्योंकि माइटोसिस हो रही है, अब तो क्रोमोसोम की तादाद 1n ही रहेगी। ये गैमीटोफाइट जनरेशन बन गई जिसमें क्रोमोसोम की तादाद 1n ही है। अब ये जो गैमीटोफाइट जनरेशन है ये गैमीट्स बनाएगी, ये भी माइटोसिस से बनेंगे, ये भी माइटोसिस से बने। आप समझो गैमीट्स में एक तरफ स्पर्म्स बन गए और एक तरफ एग्स बन गए। इसमें क्रोमोसोम की तादाद 1n, इसमें क्रोमोसोम की तादाद, क्यों? क्योंकि ये माइटोसिस से बन गए। माइटोसिस में क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहती है जितनी के पेरेंट सेल में मौजूद थी। अब ये जो गैमीट्स हैं, ये जो स्पर्म्स एंड एग्स हैं, दे विल यूनाइट। जब ये यूनाइट होंगे दे विल फॉर्म जाइगोट, 1n प्लस 1n, ये क्या हो गया? फिर से 2n हो गया। अब ये जाइगोट के अंदर रिपीटेड माइटोसिस होगी, एम्ब्रियो से फिर दोबारा हमारे पास नई स्पोरोफाइट जनरेशन बनेगी। अब इस तरह से ये जो एक साइक्लिक प्रोसेस है जनरेशंस का तबादला जो है वो पौधों में होता रहता है, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मुश्किल बात तो नहीं। स्पोरोफाइट जनरेशन, मीओसिस हुई, मीओसिस से स्पोर्स बन गए। चूंकि मीओसिस हुई है इसलिए क्रोमोसोम की तादाद कितनी होगी? आधी होगी। अब इन स्पोर्स के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होगा, उस माइटोसिस से क्या बन गई? गैमीटोफाइट जनरेशन बन गई। गैमीटोफाइट जनरेशन में फिर माइटोसिस होगी, इससे गैमीट्स बन जाएंगे। आप, मैंने स्पर्म्स और एग लिखे हैं, आप इनको गैमीट्स भी लिख सकते हो। ये गैमीट्स आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे? जाइगोट। अब जाइगोट जो है वो फिर से क्या हो गया? 2n हो गया।
अब इसमें रिपीटेड माइटोसिस होगी, ये दोबारा किस में तब्दील हो जाएगा, स्पोरोफाइट जनरेशन में तब्दील हो जाएगा, यही साइक्लिक प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा और इसे हम कहेंगे दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब पौधों में ये जो ख़ास तौर पे हमारे सीड प्लांट्स हैं, इनमें जो इनकी आप कह लो गेमीटोफाइट जनरेशन है वो फूल होते हैं ज़्यादातर, ये क्या होते हैं, फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स जो हैं दे आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं पौधे के, इनके अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, वो इंशाल्लाह डिटेल जो हैं वो हम कल देखेंगे। यहाँ तक मुझे बताओ कोई बात।